मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, उसमें जो हाशिए के तबके हैं, वंचित तबके हैं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और घुमंतू और महिलाएं और वो तमाम गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, जिनकी आवाज को मीडिया को आगे ले जाना चाहिए, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो स्थापित इस देश का मीडिया है, वह मीडिया उन आवाजों को आगे नहीं ले जाता है। इसलिए लोगों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इसके लिए उपयोग करना शुरू किया। हम लोगों ने भी जब देखा कि हमारा कोई प्रेस नोट नहीं छपता है, हमारी कोई भी आवाज को तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो हमने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शुरू किया। 2011 में हमने खबरपोस्ट.com नाम से एक वेबसाइट शुरू किया और 2-3 साल तक हमने उसको सफलतापूर्वक चलाया और उसके जरिए हमने कई सारी उन आवाजों को, खासतौर पे जो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हो सकती है वंचितों की, उन रिपोर्ट्स को उसके जरिए आगे ले जाने का काम किया। और इसी के साथ साथ फेसबुक, ब्लॉग और उन माध्यमों को भी उपयोग करना शुरू किया। कई सारे ऐसे मुद्दे जो मीडिया में अलग तरीके से पेश किए गए थे, खासतौर पे सांप्रदायिक दंगों के समय में, जो पूरा पूर्वाग्रह है अल्पसंख्यकों के विरोध में, उस पूर्वाग्रह से ग्रसित पत्रकारिता जो कि अक्सर दंगों के दरमियान एक हिंदू पत्रकारिता हो जाती है, वो समय में हम लोगों ने सही तथ्यों को सामने लाने के लिए कई सारी फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट्स थी उनको भी सोशल मीडिया के जरिए बाहर ला करके और लोगों को के सामने उजागर किया। और दांगावास नागौर में एक बहुत बड़ा दलित संघार का कांड हुआ जिसमें 5 दलितों को ट्रैक्टरों से कुचल करके मार डाला गया, जमीन के अधिकार की मांग कर रहे थे वो दलित। उस मामले में पूरा मेन स्ट्रीम जो मीडिया था वो दलितों के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा था और इसको महज एक जमीन का झगड़ा बताने की कोशिश कर रहा था। डांगावास नरसंहार को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमने लोगों तक पहुंचाया और उसका यह असर रहा कि एक जबरदस्त जन आंदोलन निर्मित हुआ, लोग सड़कों पर उतरे और सीबीआई की जो हमारी मांग थी उस मांग को माना गया और अंत में सीबीआई जांच हुई और जांच में जो हम चाहते थे, जिस तरह का हम मांग कर रहे थे, जिस तरह का जस्टिस की हम सोच रहे थे, लगभग वैसा थोड़ा बहुत हमको मिल पाया है। तो चाहे डंगावास हो, चाहे चंद्रप्रकाश बैरवा की घोड़ी पर बैठकर के बिंदौली निकालने का मामला हो या और भी राजस्थान में कई प्रकार के दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के जो मुद्दे हैं, अन्याय, अत्याचार, शोषण के जो मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों का को आगे ले जाने के लिए हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। अभी हम शून्यकाल नाम से एक वेब पोर्टल चलाते हैं और शून्यकाल नाम से एक यूट्यूब चैनल भी हम चला रहे हैं फरवरी 2017 से। और अब हमने एक तरीके से परवाह करना भी छोड़ दी कि अखबार हमारे प्रश्नों को नहीं छापते हैं या कोई बाइट लेने के लिए नहीं आता है। हमारे लोगों के पास जो अपना एंड्रॉयड फोन है उसके जरिए और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके जरिए हमारी बात तेजी से फैलती है। फेसबुक हमारा एक बड़ा माध्यम बना हुआ है जिसके जरिए हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, हमारी चीज को ब्लॉग में डाल रहे हैं और यूट्यूब चैनल के जरिए भी हम घटनाओं की सच्चाई को एक विजुअल तरीके से भी लोगों के सामने ला रहे हैं। हाँ, हमारा ये भी मानना है कि सोशल मीडिया में एक बड़ा खतरा भी है और वो खतरा ये है कि जब उसका नकारात्मक उपयोग किया जाता है, हाल ही में जो राजसमंद जिले में अफजारुल की जो हत्या की गई या गाय के नाम पर जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज करके और लिंचिंग जैसी घटनाएं जो होती है उसमें भी सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रयोग कई सारे ऐसे तत्व कर रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर मेरा ये मानना है कि जो वंचित समुदाय हैं जिनको ये जो मेन स्ट्रीम जो कि दरअसल मनुस्ट्रीम मीडिया है वो उनकी आवाज़ों को दबाता है, उन आवाजों को आगे बढ़ाने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। और एक तरीके से आज अगर हम देखें तो सोशल मीडिया जो है वो हमारी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, हमारा जो बोलने का अधिकार है, उस अधिकार को आगे बढ़ाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो मैं तो सब साथियों से, और खासतौर पर राजस्थान में तो जो दलित, आदिवासी, घुमंतू और अल्पसंख्यक वर्ग के युवा हैं वो बहुत जिम्मेदारी से इसका सदुपयोग अपने समाज के हित में कर रहे हैं,
और भी जो अन्य लोग हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए और जनता तक उनके अधिकारों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, अच्छा उपयोग करें, ताकि उनकी आवाजें जो है वो जन जन तक पहुंच सके।